यमुना जी की गहरी देह में एक काली नाम का नाग रहता था, जिससे जल विषाक्त हो गया था। उसके पान करने से सब मृतप्राय हो गए थे, ग्वाल बाल गैया बछड़े। ठाकुर जी ने अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा पुनः उन्हें जीवन दान प्रदान किया। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब तो इन्हें निकालना चाहिए। क्योंकि इंद्रियाध्यास, अपने इंद्रियों पर बल हो जाना, अपने इंद्रियों का गर्व हो जाना, यही इंद्रियाध्यास है। इन्हीं को ठाकुर जी ने नाग दमन लीला के माध्यम से ब्रज भक्तों का इंद्रियाध्यास दूर किया है। संस्कृत में विष्णु ने पक्षियों को भी खग कहते हैं, और सिद्ध जो पुरुष जो आकाश में विचरण कर सकते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? खग। तो आकाश में जो विचरण करते हैं वे खग, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं और सिद्ध भी आकाश में विचरण करते हैं, दोनों आकाश में घूमते हैं। सिद्धों के लिए भी क्या कहते हैं? उनमें ऐसी कैसी शक्ति है आकाश में विचरण कर सकते। लेकिन आप यहां आज्ञा कर रहे हैं कि अगर सिद्ध भी हैं लेकिन अगर उनको अपने इंद्रियाध्यास है तो वह उनको घिरने में देर नहीं लगती है, काली नाग उनको भी खींचकर गिरा देता है, इंद्रियां उनको भी गिरा देती है। अवेलोक्य विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही ना विभु। यमुना जी के जल को विषैला कर दिया था, ठाकुर जी ने सर्प को वहां से निकाला है। श्लोक में तीन बार कृष्ण आए, पहला कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण ठाकुर जी। कृष्ण ही मतलब काली नाग, और कृष्णा मतलब श्री यमुना जी। तो आप कहते हैं कि दोनों शुद्ध कृष्णों के बीच में यह विषैला कृष्ण कहां से आ गया, इसको निकालना पड़ेगा। तो ठाकुर जी जब सखाओं के मंडली में जब गेंद आदि से खेल रहे हैं तो वहां पर आपसी ने ही श्रीदामा के मन में यह प्रेरणा दी है। जब गेंद काली देह में चली गई है, आपने जान करके ऐसी ठोकर मारी कि गेंद काली देह में गई, वो श्रीदामा जी को आपसी ने प्रेरणा दी कि आप गेंद मुझसे मंगवाओ, कि आपको तो लीला करनी है। कहते हैं गेंद मंगाए थे सावरे मैं तो समझाऊं, बिना गेंद छोड़ू नहीं आज होनी हो सो है। आज तो गेंद के बिना छोड़ूंगी, क्योंकि खेले तो मैं कहा को गुस्सैया, खेलने में कौन गुस्साई, वहां तो सभी है कि सभी सखा ग्वाल बाल है। ठाकुर जी बोले अच्छा भैया मैं तेरी गेंद अभी लेकर आया, आपने तो फेट बांधी कदम की डाल पर चढ़े और ताल ठोक कर नीचे पधार गए। अब तो इधर सब घबराए हैं, यह बात तो अग्नि की तरह संपूर्ण ब्रजमंडल में फैल गई। हाय हाय कर सकन पुकारियो गेंद के कहा जी कहा की ओर श्रीदामा, यह गेंद के लिए तूने क्या कर दिया है? ठाकुर जी को काली देह में कह दिए जहां पर काली नाग विलाप कर रहे हैं। नंद बाबा भी सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नंद बाबा? कि अहो कान आज मेरे करसो प्रातः न माखन खायो, कि आज मेरे हाथ से तूने माखन भी नहीं खाया, और दशरथ प्राण तजे पुत्र न बिनो, और मैं कैसा कठोर हूं, मोहे विधि कठिन बनाया मुझको, तो कितना कठिन बना दिया कि वहां तो दशरथ जी ने प्राण खो दिए थे पुत्रों के बिना, और मैं तो यहाँ पर यहीं की यहीं खड़ा हुआ हूं, कैसा कठोर बना दिया मुझे विधि ने। सभी विलाप कर रहे हैं, ठाकुर जी नीचे पधारे हैं। काली नाग ने कृष्ण को देखा और अपने समस्त फनों से ठाकुर जी की ओर जब आया है, ठाकुर जी ने उसके मस्तक पर चढ़ गए, एक हाथ से तो पूछ पकड़ रखी है और एक हस्त से मस्तक पर और एक चरणों से मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। तो कैसा नृत्य मानो साक्षात तांडव नृत्य हो रहा हो। उर्वनमाला नंदलाल के विराज रही, अलक कुटिल शीश मुकुट धरी आए, धकट धकट धाधा कतिगन धाधा कट धकट मृदंग हो बजी आए। सुंदर नृत्य का वर्णन है। काली लहू लुहान हो गया है, अब वहां पर नाग पत्नियां विष्णु विनंती कर रही है, बहुत सुंदर है कि प्रभु आप जो काली को दंड दे रहे हो यह न्यायोचित ही है, न्यायो ही दंड, आप जो दंड दे रहे हो यह न्याय, यह सही है, आप दंड दे रहे हो। आपका तो प्राकट्य किस लिए है कि जो दंड के अधिकारी हैं उनको दंड देना, अपराधियों को दंड देना, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप क्या कह रही हैं कि इस क्रोध को आपका तो हम अनुग्रह ही समझती हैं। अभी वर्णन आया था, आपके क्रोध को तो हम आपकी कृपा ही समझ रही हैं।
कि प्रभु जो इन चरणों की शरण में आ जाता है उसको तो अभय प्राप्त हो जाता है विष्णुजनों, फिर उसको तो किसी बात की आवश्यकता नहीं है। ननाक पृष्ठम नच सार्वभौम न पारमेष्टम नरसादि, उसे किसी भी प्रकार का राज्य आदि चाहिए ही नहीं। आपके चरणों की रज पाने के बाद में अब कौन सा कार्य शेष रह जाता है? इसलिए प्रभु आपने यह दंड नहीं, आपने तो काली पर कृपा की, अपने चरण पधरा कर उसको चरण रज प्रदान कर दी, जो लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, जो देवताओं को दुर्लभ है, चरण प्रदान कर दी। ठाकुर जी ने विचार किया कि बात तो सही कह रही है, मैं दंड दे रहा हूं या कृपा कर रहा हूं, आप नीचे उतर कर अब चरण से नहीं या मुष्टिक से प्रहार करने लगे हस्तों से। तो गोपीजन कह रही, नाग पत्नियां कह रही, प्रभु ये तो आपकी और बड़ी कृपा है कि जो हाथ अन्यों को दुर्लभ है वो हाथ आप काली नाग को प्रदान कर रहे हो, अभय प्रदान कर रहे हो, इससे बड़ा और क्या। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं दंड दे रहा हूं या कृपा कर रहा हूं, ठाकुर जी असमंजस में पड़ जाते हैं। चरण रखता हूं तो कहती हो कृपा कर रहे हो, हस्त से मारता हूं तो कह रही हो कृपा कर रही हो, तो फिर दंड कैसे दूं? नागपत्नी कहती प्रभु आपको तो दंड देना आता ही नहीं, आपको तो मात्र स्वभाव ही आपका कृपा करना, आप तो मात्र कृपा ही कृपा करते हो, आप दंड थोड़ी दे सकते हो। श्याचार्य जन बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि जीवा जीवो स्वभावतः दुष्ट, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, कि जीव का स्वभाव तो कैसा है, दुष्ट स्वभाव है, वह गलती करता रहता है। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव कैसे है, अहम स्वभाव तो भक्तवत्सल, ठाकुर जी का स्वभाव है भक्तवत्सल, ठाकुर जी का स्वभाव है कृपा करना, जीव का स्वभाव है दोष करना, जैसा जिसका स्वभाव रहता है। ठाकुर जी कृपा करते जा रहे हैं, दुर्लभ चरण रज हस्त पधरा रहे हैं, और काली क्या कर रहा है, विष का वमन कर रहा है, विष उगल रहा है। तो जिसके पास में जो होता है विष्णुजन वह वही प्रदान कर सकता है। काली कहता है कि प्रभु वयम खलासम उत्पन्ना, हम तो दुष्ट हैं और हमने अपराध किया है, आप दंड दे रहे हो, लेकिन प्रभु आपने ही हमें यह योनि दी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम जब तक अपराध नहीं करें तब तक आपकी कृपा ही नहीं होती। काली का कथा सुनकर, विनंती सुनकर ठाकुर जी ने आदेश देते हुए कहा कि काली मैं जानता हूं कि तुम गरुड़ के भय से यमुना जी में छुपे हुए हो, अब मेरा साक्षात चरणों का स्पर्श तुमको प्राप्त हो गया, अब तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, गरुड़ का भी अब तुमको भय नहीं है। अब सोचो विष्णुजनों, साक्षात ठाकुर जी के चरणारविंद हमारे मस्तक पर रात दिन विराजमान रहते हैं, अब हमें किससे डर, मस्तक पर ठाकुर जी विराजमान है, चरण चिन्ह ठाकुर जी का अभय प्राप्ति हो गई, हमको तिलक धारण करते हो आप, उनके नाम की कंठी जो साक्षात महाप्रभु जी ने प्रदान की वह आप धारण करते हो, हृदय में साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, मुख में सदैव उनका नाम है, अब किस बात का डर, अब तो डर सब बच जाना चाहिए, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है हमारे माथे पर। ठाकुर जी बाहर पधारे हैं, काली धीरे धीरे ऊपर आए, काली के फन पर खड़े हुए प्रभु वेणु वादन करते हुए सभी को दर्शन दिए हैं, मुरली बज रही, नागपत्नी हाथ जोड़कर ठाकुर जी की स्तुति कर रही है, शनि शनि काली जब ऊपर आए हैं, फनों पर कृष्ण विराजमान है, नंद यशोदा सभी दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी यही आज्ञा करते हैं कि यह जितनी भी इंद्रियां हैं ना, हमारी इंद्रियां यही काली नाग का स्वरूप है विष्णुजन, इन इंद्रियों को हमको क्या करना है, ठाकुर जी में समर्पित कर देना है। इसलिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि सभी दैत्यों का तो ठाकुर जी ने वध किया है, उनका उद्धार किया, लेकिन कालियों का, काली का दमन किया है ना, काली का वध क्यों नहीं किया, क्योंकि इंद्रियाध्यास को दूर करना है विष्णुजन,